हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 4 इंग्लिश मैरी गोल्ड यूनिट 1 पोम वेकअप। इस पोम को करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क को देख सकते हैं। अपलोड होते ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। सो लेट अस सी द थीम ऑफ द पोम। अब इस कविता की जो विषय वस्तु है उसको देखते हैं। सो दिस पोम इज रिटन बाय सी फ्लेचर। ये जो कविता लिखी गई है ये सी फ्लेचर के द्वारा लिखी गई है। द पोएट टेल्स द इंपॉर्टेंस ऑफ वेकिंग अप अर्ली एवरी डे। जो कवि है ये हर रोज जल्दी जागने के महत्व को बताता है। आफ्टर रीडिंग द पोम वी फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द क्रिएचर्स ऑल अराउंड। और कविता पढ़ने के बाद हम प्रकृति की सुंदरता और चारों ओर के जीव जंतुओं की ओर आकर्षित महसूस करते हैं। इट शोज दैट वी शुड वेक अप एंड सी द राइजिंग सन। और ये दर्शाता है कि हमें जल्दी उठना चाहिए और हमें उगते हुए सूर्य को देखना चाहिए, फ्लाइंग बर्ड्स यानी कि उड़ते हुए पक्षियों को देखना चाहिए, स्माइलिंग एंड ब्लूमिंग एवरी लीफ एंड फ्लावर, और मुस्कुराते हुए हर पत्ते हर फूल को खिलते हुए देखना चाहिए। और द मेन एंड द प्रोमिनेंट थिंग इज टू वेक अप अर्ली। और इसमें जो सबसे मुख्य बात है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है मुख्य, और सबसे मुख्य सबसे जरूरी बात क्या है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो यह है आपके इस चैप्टर की थीम। वेकअप वेकअप इट्स अ लवली डे। ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस में जो पोएट है वो कह रहा है कि वेकअप वेकअप यानी कि जागो। इट्स अ लवली डे, बहुत ही सुहाना दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है। ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। इन लाइंस में जो पोएट है वो जागने का अनुरोध करता है बच्चे से, जागने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि जल्दी उठो, जागो और बाहर आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्री एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। ये जो लाइंस है इसमें जो पोएट है वो लालच दे रहा है, वो अब बाहर का दृश्य बता रहा है। वो कह रहा है द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, यानी कि बाहर जो है बर्ड्स जो है वो गाना गा रही है, पेड़ों पर बैठ के गाना गा रही है। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और तुम भिनभिनाती हुई मधुमक्खियों को सुन सकते हो। बजिंग साउंड जो होती है वो बीज की, मधुमक्खियों की साउंड होती है। तो ये जो पोएट है वो लालच दे रहा है बच्चे को कि आप कितना सुंदर दृश्य है, तुम बाहर आओ और इस दृश्य को देखो। अब चलिए पूरे स्टैंजा को एक साथ देखते हैं। इसमें कहा है इन दिस स्टैंजा द पोएट इज आस्किंग द चिल्ड्रन टू वेक अप एंड एंजॉय द ब्यूटिफुल डे। यानी कि जो ये स्टैंजा है उसमें जो पोएट है, कवि है, वो बच्चों से आग्रह करता है सुबह जल्दी उठने का और उस सुंदर डे को, उस ब्यूटिफुल डे को एंजॉय करने का। ही देन आस्क द स्टूडेंट्स टू गेट अप एंड गो आउट टू प्ले। इसके बाद वो बच्चों से क्या करता है, आग्रह करता है कि बाहर जाओ और खेलो। ही ऑल्सो टेल्स दैट इफ वी वेक अप अर्ली वी कैन हियर द बर्ड सिंगिंग एंड ऑल्सो द बजिंग साउंड ऑफ बीज वैन दे होवर ऑन द फ्लावर्स। वो कहता है कि यदि हम जल्दी उठते हैं तो हम चिड़ियाओं को गाते हुए सुन सकते हैं, ट्रीज के अंदर पेड़ों के ऊपर बैठे चिड़ियाओं को गाते हुए सुन सकते हैं। एंड ऑल्सो द बजिंग साउंड ऑफ बीज, और मधुमक्खियों की भिन भिनाने की जो साउंड होती है, बजिंग साउंड, वो भी सुन सकते हैं। और वो कब आती है वो साउंड, वेन दे होवर ऑन द फ्लावर्स, जब वो फूलों के ऊपर मंडराती है। होवर का मतलब होता है मंडराना। द मॉर्निंग सीन इज ब्यूटिफुल एंड जॉयफुल, और जो सुबह का जो दृश्य होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। और जॉयफुल का मतलब होता है आनंद से पूर्ण, आनंद से भरा हुआ, आनंद देने वाला। दस हियर द पोएट इज यूजिंग हिज इमेजिनेशन टू अर्ज अस टू वेक अप अर्ली। तो इस प्रकार से जो पोएट है वो अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए हमें जल्दी उठने का आग्रह कर रहा है। तो यहां पर अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना या विनती करना। वेक अप वेक अप इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम इन प्ले।
यानी कि यहां पर पहले स्टेंजा की लाइंस को रिपीट किया गया है और बच्चे से दोबारा से पुनः आग्रह किया गया है कि वो बाहर जाए और खेले। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, यानी कि अभी सोने के लिए बहुत देर हो चुकी है और इतने समय तक हमें बिस्तर में नहीं सोना चाहिए। सो हरी अप यू स्लीपी हेड, जो पोएट है वो एक बच्चे के लिए एक एडजेक्टिव यूज करता है, वो कहता है स्लीपी हेड। स्लीपी हेड का मतलब क्या होता है, वो बच्चा जो सोया रहता है, जो निदासा होता है, जो हमेशा नींद में रहता है, तो उसके लिए ये एडजेक्टिव यूज किया गया है स्लीपी हेड। अब पूरे स्टेंजा को एक साथ देखते हैं। हियर अगेन द पोएट इज आस्किंग द लेजी चिल्ड्रन टू गेट अप एंड गो आउट टू प्ले, यहां फिर से जो पोएट है वो आलसी बच्चों से उठकर बाहर जाकर खेलने के लिए कहता है। द पोएट ऑल्सो वॉन्ट टू शो अस द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड टेल्स दैट वाई इट इज रॉन्ग टू लाई इन बेड फॉर सो लॉन्ग इन द मॉर्निंग। इसके बाद जो कवि है वो हमें समय का महत्व बताता है, इंपॉर्टेंस बताता है, और बताता है कि बिस्तर में इतनी लेट तक जो सोना क्यों गलत है। ये कहा भी जाता है कि जो सोता है वो खोता है, कि मॉर्निंग का जो बहुत ही कीमती समय है वो हम खो देते हैं। एंड ही अर्ज द स्लीपी चिल्ड्रन टू हरी अप, इसके बाद वह सोते हुए बच्चों से जल्दी करने का आग्रह करता है कि जल्दी वो उठे। सो वी कैन से दैट द पोएट वांट्स अस टू बी पंक्चुअल, और वो इसलिए करता है कि वो चाहता है, जो कवि है वो चाहता है कि बच्चे जो है वो समय के पाबंद रहे। पंक्चुअल का मतलब है टू बी ऑलवेज ऑन टाइम, समय के पाबंद रहना। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, यानी कि अब कवि क्या कहता है कि जल्दी से नहाओ, ड्रेस अप हो जाओ और बाहर आओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, यानी कि हर कोई जो है वो उठ चुका है। अप एंड अबाउट का मतलब होता है टू बी आउट ऑफ बेड एंड डू थिंग्स, यानी कि बेड से, बिस्तर से उठना और अपने जो दिन प्रतिदिन के कार्य है उन्हें करना। द काउ द हॉर्सेस द डक्स एंड द शीप द टाइनीएस्ट चिकन चीप चीप चीप, यानी कि अब ये क्या कह रहा है, अब कवि कह रहा है कि अब एग्जांपल दे रहा है कि ये सब लोग उठ चुके हैं, जो काउ है वो उठ चुकी है, हॉर्सेस जो है घोड़े उठ चुके हैं, जाग चुके हैं, और जो शीप है वो सभी जाग चुके हैं, केवल जो बच्चा है उसको कह रहा है कि तुम ही सोए हुए हो, बाकी जो सब है वो सब जाग के अपने कार्य कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट एग्जांपल देता है द टाइनीएस्ट चिकन चीप चीप चीप, यानी कि जो सबसे छोटा चिकन है, यानी कि इतना छोटा बच्चा भी जो है जागा हुआ है, वो भी क्या साउंड कर रहा है, चीप चीप साउंड कर रहा है। वेक अप। So here the poet is asking the children to take bath and get ready and come out of bed. यानी कि अब जो poet है वो क्या कह रहा है, वो बच्चों से आग्रह कर रहा है, अनुरोध कर रहा है कि वो जल्दी से नहा ले, रेडी हो जाए और बिस्तर से बाहर आए। He also tells that all other creatures like cow, horses, ducks, sheep and even the tiniest creature is awake. यानी कि वो क्या कहता है कि बाकी जो ये सभी जानवरों के नाम दिए हैं ये भी उठ चुके हैं, इवन जो सबसे छोटा टाइनीएस्ट चिकन है, वो जो सबसे छोटा क्रिएचर है वो भी उठ चुका है, केवल बच्चा नहीं उठा है, आप नहीं उठे हो। इवन वी कैन हियर द साउंड ऑफ द चिकन चीप चीप, यानी कि चिकन की साउंड भी आ रही है, मुर्गे के बच्चे की साउंड भी आ रही है, वो भी जागा हुआ है। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट इवन द टाइनीएस्ट क्रिएचर्स Know the importance of time, यानी कि पोएट यहां पे क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि छोटे से छोटा जो जीव होता है वो भी समय के महत्व को समझता है, केवल तुम समय के महत्व को नहीं समझ रहे हो और समय से नहीं उठ रहे हो। अब बारी है न्यू वर्ड्स की, तो पहला वर्ड है लवली। तो लवली का मतलब क्या होता है, ब्यूटिफुल और प्लेजेंट, यानी कि प्यारा, बहुत प्यारा जो होता है उसको बोलते हैं लवली या फिर ब्यूटीफुल या फिर प्लेजेंट। और सेंटेंस में यूज देखते हैं, आई सो अ लवली बटरफ्लाई इन द गार्डन। नेक्स्ट वर्ड है बजिंग। बजिंग का मतलब होता है साउंड ऑफ ए बी और फ्लाई, यानी कि किसी मधुमक्खी की या किसी मक्खी की भिन भिनाने की आवाज, यानी कि भिन भिनाना। नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं सेंटेंस में, तो सेंटेंस है इसका द बीज वर बजिंग इन द गार्डन। नेक्स्ट वर्ड है स्लीपी हेड। स्लीपी हेड का मतलब होता है अस्लीपी और इनअटेंटिव पर्सन, यानी कि
निंदासा आदमी, जो निंदासा किसको बोलता है, जो नींद जिसको आई रहती है उसको निंदासा बोला जाता है, या फिर निद्रालु आदमी या फिर आलसी आदमी, तो इसका मतलब होता है स्लीपी हेड। यूज इन सेंटेंस वेक अप यू स्लीपी हेड। नेक्स्ट वर्ड है टाइनीएस्ट। टाइनीएस्ट का मतलब होता है वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत ही छोटा सा, नन्ना सा। यूज इन सेंटेंस द टाइनीएस्ट चिकन वॉज ऑल्सो अवेक। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन आंसर है या बुक वर्क है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उस वीडियो का लिंक जैसे ही अपलोड होगा डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें।